वेलकम बैक टू माय चैनल मस्त गुड़िया। मैं हूं आपकी अपनी डिंपल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मस्त गुड़िया। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का नाम है हु किल्ड जेसिका एपिसोड 2। ये वीडियो है हर्ष बेनीवाल की। तो गाइस वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल मस्त गुड़िया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, और जो हमारी YouTube फैमिली है वो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जब तक हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वीडियो देखते हैं, हमें कमेंट करते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या हम कामयाबी की तरफ है। तो गाइज आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सपोर्ट करेंगे तो हम कामयाब होंगे। तो यार सब्सक्राइब हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्ते मित्रगणों, इस एपिसोड को देखने से पहले आपको एपिसोड 1 देखना होगा ताकि आप लोग इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएं। हेलो फ्रेंड्स, बिफोर वॉचिंग दिस एपिसोड, इस एपिसोड को देखने से पहले आपको एपिसोड 1 देखना होगा ताकि आप इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएं। थैंक यू। नहीं यार, ये कैसा रिलेशन है यार हमारा, जहाँ मुझे ये नहीं पता तुम्हारा ठिकाना कहाँ पे है। सुन लोकेश, ये जो तेरा शॉर्ट टेम्पर है ना, मुझे मत दिखाना। जिसके घर आप जा रहे हैं वो गर्लफ्रेंड है या? अरे नहीं यार, बहुत टाइम से बातें हो रही थी तो आज उसने डेट को बुलाया। चल रहा है पहले चोर मेरी बंदी के साथ, वो भी मेरा कंडोम लगा के। मदर चोर, ये मर चुकी है। ओए बोल, तूने मारा उसको? अरे नहीं मारा मैंने इसको यार। मैडम का सिलेंडर भी खत्म हो गया था, फोन करके बुलाई हम। हमने कुछ नहीं किया, जो है ना अनजाने में हुआ है। इनकी बॉडी से और घर से फिंगरप्रिंट हटाते हैं और ऐसे निकल लेते हैं। कौन? पुलिस। पुलिस पुलिस कैसे है? तू अंदर जा, मैं इसको संभालता हूँ, जल्दी जा अंदर। दीवार गंदी है ना सर, तो साफ कर रहा था। आप अंदर चले गए क्या? ठीक है। जेसिका गुप्ता से मिलना है। क्यों सर? क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, मैंने कंप्लेंट आई थी सुबह उनकी, किसी लड़के के अगेंस्ट है, हैरेसमेंट की कंप्लेंट। तुझसे की पूछताछ के लिए आए थे। कौन था बहन का लौड़ा? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, वो जेसिका का भाई हूँ ना सर मैं, तो गुस्सा आ गया था सर, सॉरी सर। वैसे कौन था सर वो? कोई लोकेश चिकार के नाम से बंदा है। लोकेश चिकार? हाँ लोकेश, छुपा दिया उसको। लोकेश? मुकेश, मुकेश, मुकेश गुप्ता। जी जी सर, मुकेश गुप्ता सर जी। और ये बॉयफ्रेंड? भाई, जेसिका के बॉयफ्रेंड का भाई सर। अच्छा, और ये छुपा के क्या आया तू? बोल। बॉडी सूट। बॉडी सूट। कल से डिप्रेस थी ना सर वो जेसिका, तो बात ही नहीं कर रही थी।
आज आप आए तो सर पता लगा क्यों बेचारी इतनी परेशान है, वो उसको बस थोड़ा चेयर अप करने के लिए वो थोड़ा गिफ्ट वगैरह। ये क्या कर रही है? सर कॉइन सर कॉइन DCX गो से सर नोटिफिकेशन थी सर, वो क्रिप्टो में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया ना तो प्रॉफिट हुआ है तो वो चेक कर रहा था कितना क्या हुआ है सर। ये क्या क्रिप्टो लगा रखा सबने वैसे ही, मेरी वाइफ भी आजकल इसके गाने गा रही है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता क्या ये? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, हमारे बस की नहीं है ये सब। अरे नहीं नहीं सर, बहुत ज़्यादा आसान है सर कॉइन DCX गो से इन्वेस्ट करना, यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन ईथरम खरीद सकते हो सर, बेच भी सकते हो, मेरी तो सर अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट हो रही है सर कॉइन DCX गो से। चलो हमने अपना पैसा लगा के कॉइन खरीद भी लिया, ट्रस्ट की क्या गारंटी है? कितना ट्रस्टेड है तुम्हारा ये कॉइन DCX को? इसके सारे फंड्स इंश्योर्ड है सर बिटगो से, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड HB100 यूज़ करोगे ना तो आपको 100 रुपये का फ्री बिटकॉइन मिलेगा सर, और सर सबको मिलेगा जो भी मेरा कूपन कोड यूज़ करेगा सर। बाकी अगर आप सर लकी हुए तो आपको एक पूरा बिटकॉइन जीतने का मौका मिल सकता है। इंप्रेसिव। चलो आज अपनी वाइफ को भी ये गिफ्ट देते हैं। एनीवेज लेट्स गेट टू वर्क। बुलाओ जी, बुलाओ जैसिका को, स्टेटमेंट लेनी है। ऑफ कोर्स, बिना बुलाए थोड़ी स्टेटमेंट ले सकते हैं, उसका आना तो जरूरी है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। बुलाओ, जाओ इधर अंदर जाओ, जैसिका को बुला के लाओ। बिल्कुल सर, बुला के लाता हूँ। तू अंकित बैठ, मैं जैसिका को बुला के लाता हूँ। नमस्ते सर। वैसे सर आप सच में क्या बोल रहा था? कुछ भी नहीं सर। जी हाँ, घर में ही पड़ी थी उस मासूम लड़की की लाश। शातिर कातिल अभी तक हो रहा था पुलिस को धोखा देने में कामयाब, लेकिन कब तक? कब तक? कब तक आएंगे अंदर से? ये आते सर, आप हमारे देश की इतनी सेवा करते हैं तो इतना जेस्चर तो बनता है ना आपके लिए। सर वो मैं 26 का हूं, क्या मैं अभी भी फोर्स ज्वाइन कर सकता हूं? तुझे क्यों करनी है सर? वो पैसा है। क्या बोल रहा है? पैसा? ये तुम सबको यही लगता है ना कि पुलिस की नौकरी है तो घूसखोरी, डराना, धमकाना, क्यों? कातिल धीरे धीरे लाश को रगड़ता हुआ लिविंग रूम तक लेकर आया और तभी अच्छा आगे मैडम आ किसके आइए बैठिए। तो जैसे क्या है बहन, वो कर देंगे तेरी हेल्प, इसीलिए तो आए यहाँ पे। हाँ मैम, आपकी सेफ्टी के लिए तो आए हम, ऐसे ऐसे पाँव मत पकड़िए हमारे, उठा भाई। हाँ सर, सॉरी सॉरी। आजा बहन ऊपर, आजा 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 बहन ऊपर आजा। सर वो परेशान है ना सर कल से, इसीलिए बहन ऊपर मुंह कर थोड़ा, इतना भी नहीं।
तो जैसिका जी, आप लोकेश को पहले से जानती हैं? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कातिल की तो मां चुदेगी अब। कातिल की तो मार दिया तुमने इसे। बोल। मैं क्यों मारूंगा सर? मैं चोर लड़की को मार दिया सर। भागा सर। सर 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 पहले से मारी। तुम दोनों पे पहले से शक था। चोर। गला खराब है सर थोड़ा सा। कातिल फिर बच गया। ये बोल के नहीं रही है कुछ सर। वो कल के हादसे से बड़ी परेशान है सर बेचारी, तो इसलिए। आई अंडरस्टैंड मैम, आप ऐसे टेंशन मत लीजिए। हम है ना, तो ये लोकेश आपको मैसेज करता था? इफ आई बी स्पेसिफिक, इनएप्रोप्रिएट मैसेज। हम जल्दी पकड़ लेंगे मैडम इसे। ब्लडी पावर, ऐसे कुत्ते की तरह मारूंगा हराम जादे को। फेफड़ा कलेजा सब बाहर आ जाएगा साले का। सर आप एक बार सही से इन्वेस्टिगेट करिए ना, क्या पता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्या पता उस लोकेश ने कुछ किया ही ना हो। हाँ बेमतलब उस बेचारे का कलेजा फेफड़ा सुझा दे सर। कैसा भाई है तू? कैसा भाई है? तुझे दिख नहीं रही अपनी बहन की हालत? तुझे लगता है उसकी गलती होगी नहीं? अरे वो सहम गई है अंदर से, दिखा नहीं दे रहा। हाँ किधर? वॉशरूम सर। मैम आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, हम जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ओह माय गॉड। क्या हुआ सर? सहम चुकी है सर वो अंदर से, दिखता नहीं आपको? सॉरी सर। तुम साइन कर दो, गार्जियन हो ना। लो पकड़ो। और इस तरह कातिल ने अपने ही मौत के दस्तावेज पर मोहर लगा दी। सर क्या हुआ सर? क्या हो गया? वॉशरूम जा रहा था। किधर है? उधर सर, दूसरा वॉशरूम। किधर? उधर सर, उधर। उसमें तो वो जा रखा है ना, वो बॉयफ्रेंड का भाई। किधर जाऊं, पूरे घर में वॉशरूम ही है क्या? सर आता ही होगा बस, ये वाला बहुत गंदा है सर। अरे कोई नहीं। अरे सर सर कौन है? दादाजी दादाजी है सर। तो ये चप्पल पहन के क्यों सो रहे हैं? सर वो रनिंग करने गए थे सर, तो वो थक के आए ना, तो सर ऐसे ही सो गए। तू अपने दादा को दोपहर के 2 बजे चप्पल में तोड़वाता है? सर क्या करें सर, जिद्दी बहुत है सर, सुनते नहीं है। दादाजी चप्पल उतारो। देखा सर नहीं सुन रहे सर। दोपहर में रनिंग करने जाते हैं, रात को ब्रेकफास्ट मांगते हैं, और सुबह सर रात की दवाई मांगते हैं। हो जाता है ऐसे ओल्ड एज में। ध्यान दिया करो थोड़ा। ये क्या हुआ? क्या थे? सर मैंने कुछ नहीं कहा सर। सर उसका फ्यूज पहले से उड़ा हुआ था सर, मैंने कुछ नहीं कहा सर। ध्यान दिया करो ना, घर के कहां कहां फ्यूज जुड़े हुए हैं। 10 मिनट लगते हैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के सही कराने में। ध्यान दिया करो थोड़ा। मेरे रिस्पॉन्सिबल यूथ। Thank you.
किसको बोल रहा है ये? आपकी लुक्स को सर, क्या किलर लुक्स है सर आपकी? वे, तू फिर नशे कर क्या है? फिर तू फिर भी क्या है? हैं? नशे कर क्या है तू? चाकू ले, चाकू ले, इंस्पेक्टर आया हूँ, सिंघम की शूटिंग थोड़ी चल रही है इधर, तू जल्द जल्द चाय बना के ला, चल, चल, एक मिनट, ये अंदर से कैसे आया? अंदर तो कोई था ही नहीं, वहीं था सर ये, दादाजी के साथ, कंबल में, थोड़ा क्लोज है सर उनके। पेशाब की बदबू क्या आ रही है इसमें से? सर इस उम्र में दादाजी का सिर्फ पेशाब ही निकलता है सर। हाँ हाँ सर, वो हम दादाजी और मैं वो कंबल में ये खेलते रहते हैं पेशाब पेशाब। अब छोड़िए ना, मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं बस मैं निकल रहा हूँ। अरे सर मूत तो पी के, मेरा मतलब चाय तो पी के जाइए सर। अरे नहीं नहीं बस मैं निकल रहा हूँ। ये घर की थोड़ी साफ सफाई भी करवा लिया करो। ये है ना सर हरामी, सर सफाई नहीं करता। ओए साफ कर इसको, दूंगा कौन सा, उस पे फिसल के कोई मर जाएगा कोई। ए चलिए सर मैं गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं गाड़ी किसी काम के लिए मैंने भेज दी थी, कोई नहीं कैब कर लेता हूँ मैं। मेरी बात सुनो सर, मैंने नहीं मारा सर, जब हम आए तो पहले से मरी हुई थी सर। बैठ बैठ मादर चोद, फंस गए थी तो लग जाएगी सर, सर पीछे हो जाओ। चूतिया सब जरा का पुलिस वालों को नहीं मारा सर, सर मैंने हरामजादे। जेसिका जी, जेसिका जी वो पापा जी ने भेजा है, वो कह रहे थे कि आपके यहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, सब ठीक तो है ना? बाकी वो रेंट के लिए भी कह रहे थे। नहीं मतलब ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से दे देना। आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू। जेसिका जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जेसिका जी हेलो, जेसिका जी
जेसिका जी, जेसिका जी, हेलो। हाय जेसिका जी, आप यहीं हैं? यस, आई एम हियर तुम्हारे पास। जेसिका जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगा, इट्स जस्ट वैसे व्हाई वर यू नॉट स्पीकिंग? ओह या, आई वांट टू शाउट योर नेम। शाउट? जेसिका जी, चिल्लाने की तो कोई बात ही नहीं है ना, हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना, वी आर सिविलाइज्ड पीपल। सो बाय द वे, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमारी 7 सेकंड से ज्यादा की इंटरेक्शन हुई है। टुडे आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। शट अप एंड कम टू मी, कम टू मामा। मामा, ओके ओके, आई विल कम, आई विल कम। सॉरी जेसिका जी, गलती से हो गया। यस, आई लव्ड इट। लव्ड इट? जेसिका जी, क्या आप भी मुझसे? मुझे पता था आप कोई शैलो इंसान नहीं हो जो परफेक्शंस देख के प्यार करे, आप सिर्फ दिल देखते हो। पर इतना टाइम क्यों लगा दिया जेसिका जी? मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँगा, और प्यार के कोर्स में जो कुछ भी होता है ना, सब करूँगा। बस जेसिका जी, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी मुझे, उसके बाद मैं सब रट लूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। सेंसेस अच्छे हैं मेरे, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ हम देर क्यों लगाएं, हम आज ही कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जेसिका जी, आइए ना, कर दीजिए मेरी अनबॉक्सिंग। अरे शर्माइए मत, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। हेलो, ओह मैं समझ गया। कितना गंदा आदमी हूँ ना मैं, इतनी जल्दी इस बेस पर थोड़ी आते हैं, पहले एक दूसरे को जानना होता है, समझना होता है। सॉरी जेसिका जी, आप मुझे बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए अपने बारे में, आपको क्या पसंद है? जेसिका जी बोलिए ना कुछ। यस, टच मी ऑल ओवर बेबी। टच? ओके। ओह माय गॉड, जेसिका जी अच्छा लग रहा है ना? यस यस, आई कैन फील इट। लोकेश, लोकेश, जेसिका जी मैं अरुण। लोकेश बेबी, ओह शिट। जेसिका जी आपके होंठ नहीं हिल रहे, तो आप बोल कैसे रहे हो? या बेबी, आई मिस यू। बंद कर ना इसे। कौन है? ओह माय गॉड, कौन है? बच्चूतिया। एक, तेरा बात चूतिया। दो, दो, तीन, तीन। नीचे रख।
फर्श तो पूरा खून में लथपथ। अब ना कोई आ जाए। चार चार लाशें। स्नेहा पिक अप पिक अप पिक अप। हेलो, हाय स्नेहा ब्रो। यार उस दिन जो तूने दिया था ना लिडोकेन, इट वाज बैंग ऑन ब्रो। ब्रो यार वो फिर से मिल सकता है क्या? मेरी ना बॉटल नहीं मिल रही है ब्रो। यार मेडिकल इंस्टीट्यूट से एक बार चोरी करवाया था, अब खत्म है सारा। एंड यू नो ना इट वाज अ वन टाइम थिंग ब्रो। आई नीड इट। क्या हुआ, मम्मी पापा का फिर से कोई सीन हुआ है क्या? यार जसिका नशों से कोई सलूशन नहीं मिलता प्रॉब्लम का। तुझे बात सुन लोकेश, ये जो तेरा शॉर्ट टेम्पर है ना मुझे मत दिखाना वरना तेरी मां चोद दूंगी। हेलो पुलिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो यार। ये थी वीडियो हर्ष बेनीवाल की जिसमें जैसिका का कत्ल तो हुआ नहीं, बेचारों के तीनों के हाथों से तीन कत्ल ऑलरेडी हो चुके, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे और जाने के बाद जैसिका को भी होश आ गई तो ये अलग बात है। लेकिन
लेकिन आगे क्या होने वाला है ये ना मुझे पता है ना आपको पता है और ना ही हर्ष को पता है, क्योंकि जेसिका को उसका ड्राइविंग कार्ड मिल गया है, ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड, और उसने पुलिस को कॉल कर दी। तो गाइस अगर आप उसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।